दुनिया के सबसे बड़े जंगल। दोस्तों, अब जब दुनिया से पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में भी कई जंगल हैं जिन्होंने अपने पांव जमाकर इंसानों का सामना किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल की, वो जंगल जो करोड़ों साल से यहाँ मौजूद है, वो जंगल जो घर है खूंखार आदमखोर जानवरों के। तो चलिए दिल को थाम कर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एकरम ने सजेस्ट किया था। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। 10. मिंडो नाम्बेलो क्लाउड फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में फैले इस जंगल को अगर दुनिया का सबसे ठंडा जंगल कहें तो गलत नहीं होगा। ये जंगल 192 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों, ये जंगल अमेज़न के जंगलों से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण ये उनका हिस्सा नहीं है। इस जंगल में 1600 से भी ज्यादा पक्षी, मेंढक और अदर एनिमल्स की स्पीसीज रहती है। यहाँ साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण ये जंगल जलीय कीड़ों से भरा रहता है। 9. किनाबालू नेशनल पार्क, एशिया। मलेशिया में बना किनाबालू नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, ये जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ों से घिरा ये जंगल डिज्नी की किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। दोस्तों, ये पार्क हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, जिस कारण यहाँ मौजूद जानवरों की स्पीसीज धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वो जानवर जो खूंखार और आदमखोर हैं, अब तक सही सलामत हैं। दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना नजर आता है। 8. डेन ट्री फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया। डेन ट्री रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों का घर है। ये जंगल 1200 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल काफी खूबसूरत है, इस कारण किसी फिल्म के सेट जैसा नजर आता है। ये जंगल 10,000 से भी ज्यादा स्पीसीज का घर है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा घेरे इस जंगल में सभी स्पीसीज की तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है और इसकी उम्र 165 मिलियन सालों से भी ज्यादा है। ये कई सदियों से अपने वजूद में है और डर और रोमांच का एक अनोखा मिक्सर है। 7. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ शिशुआंग बन्ना, एशिया। दक्षिण चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है। दोस्तों, ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 वर्ग किलोमीटर है और ये चाइना के एक बड़े हिस्से में फैला है। ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिस कारण ये जंगल साइंस के पॉइंट से काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। 6. सुंदरबन, एशिया। दोस्तों, सुंदरबन की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पूरे बांग्लादेश को ढक देता है और साथ ही साथ ये भारत के भी कुछ हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग का बाघ केवल सुंदरबन में ही पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा होने के कारण सुंदरबन काफी ज्यादा डरावना और खूबसूरत नजर आता है। ये काफी ज्यादा खौफनाक है, जिस कारण ये आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडिया का ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। 5. टोंगास, नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जंगल टोंगास है। ये जंगल 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, यानी कि इसका पूरा एरिया श्रीलंका के पूरे एरिया से भी ज्यादा है। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में फैला है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अलास्का में सोने की कई खाने मौजूद हैं। टूरिस्ट विजिट के मामले में ये जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जंगलों में से एक है। हर साल इसे देखने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, ये जंगल जानवरों और पक्षियों के साथ ही आदिवासी इंसानों का भी घर है। यहाँ पर 75,000 से भी ज्यादा लोग 32 अलग अलग आदिवासी समुदाय में रहते हैं। 4. वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। 2,48,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला वाल्डिवियन फॉरेस्ट साइज में यूनाइटेड किंगडम से ज्यादा है। दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में फैला हुआ जंगल है। मुख्य तौर पर ये चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। दोस्तों, ये एक रेन फॉरेस्ट है, जिस कारण यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है। इस जंगल में 122 से भी ज्यादा तरह के पौधे पाए जाते हैं। लगातार बारिश के कारण यहाँ पेड़ काफी ज्यादा घने होते हैं, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। दोस्तों, यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। 3. कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका। 20,23,428 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला कॉन्गो जंगल आकार में अलास्का और दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा बड़ा है।
दोस्तों कांगो में 10,000 से भी ज्यादा स्पीसीज के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी जंगल से ज्यादा है। दोस्तों कांगो रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश होती है, जिस कारण कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में कुल 500 से भी ज्यादा वैरायटी की मछलियां पाई जाती हैं। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है। यहां मौजूद पिराना मछलियां किसी भी इंसान को मिनटों में खत्म कर सकती हैं। कांगो में ऐसे जानवरों की भरमार है। कांगो जंगलों में 1,000 से भी ज्यादा तरह के पक्षी और 500 से भी ज्यादा तरह के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। 2. द अमेज़न फॉरेस्ट्स, साउथ अमेरिका। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अमेज़न जंगल पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माना जाता है। दोस्तों ये एक साथ पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला जैसे देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में कई झरने मौजूद हैं। अमेज़न जंगल करोड़ों पक्षियों और जानवरों का घर है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इस कारण यहाँ साल में लगातार बारिश होती रहती है। अमेज़न के जंगल जहाँ जानवरों के लिए स्वर्ग है, तो वहीं इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाने में दम रखते हैं। अमेज़न के जंगलों में अमेज़न नदी भी मौजूद है। दोस्तों ऐसे मिथ भी फैलाए गए हैं कि अमेज़न नदी में एनाकोंडा रहता है। अमेज़न जंगल ऐसे भयानक मिथ का घर है। 1. टाइगा, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है टाइगा। दोस्तों टाइगा 1,20,00,000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल है। टाइगा एशिया में रूस, कनाडा, यूरोप के कुछ देशों से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। और तो और दोस्तों ये जंगल आर्कटिक महासागर में भी मौजूद है। दोस्तों अगर इस जंगल का टोटल एरिया देखा जाए तो टाइगा भारत और चीन के पूरे एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। दोस्तों टाइगा एक कोल्ड फॉरेस्ट है, इस कारण ये हर वक्त काफी ठंडा रहता है। टाइगा के कई हिस्सों में लगातार बर्फ गिरती रहती है। यहाँ का टेम्परेचर आसानी से इंसानों की जान ले सकता है, इसलिए यहाँ कुछ ही जानवर सर्वाइव कर पाते हैं। दोस्तों टाइगा का मौसम इतना ज्यादा क्रूशियल होता है कि इसे पेड़ भी आसानी से झेल नहीं पाते, इसलिए यहाँ 2 से 3 तरह के पेड़ ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे विशाल जंगल। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी जंगल में घर बनाने का मौका मिला तो आप कहाँ जाकर रहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें।